हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बनाएंगे पनीर मसाला करी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर, कटा हुआ प्याज, कटी हुई मिर्ची, कटा हुआ टमाटर, अदरक और लहसुन, कटा हुआ धनिया, एक 1 टेबलस्पून नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर और पत्ता और दालचीनी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, उसमें हमें ऑयल डाल देना है। ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। तो गैस को मैं ऑन कर दूंगी, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो ऑयल ये मेरा गरम हो गया है, तो इसमें डाल दूंगी ऑनियन। ऑनियन को हमें फ्राई करना है हिलाते। तो ऑनियन ही मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हो इसका कलर है, चेंज हो गया है। तो फ्लेम को लॉक कर देना है और इसको अलग से एक बर्तन में निकाल देना है। तो उसी ऑयल में हमें लहसुन और अदरक डाल देनी है, वो भी फ्राई करनी है। तो इसका भी कलर चेंज हो गया है, तो फ्लेम को लो कर दूंगी और उसी को भी निकाल दूंगी अलग से बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सर जार, तो उसमें मैं ऑयल को क्रश कर दूंगी, ऑनियन को, तो ये मेरा ऑनियन ही क्रश हो चुका है। तो इसको एक बर्तन में निकाल देना है। तो उसी मिक्सर जार में अदरक और लहसुन को भी क्रश कर देना है। तो वो भी क्रश हो गया है, तो उसी को भी इसी बर्तन में निकाल देना है। उसी मिक्सर जार में टमाटर और कटी हुई मिर्ची, वो भी साथ में क्रश कर देनी है। तो वो भी मेरा क्रश हो चुका है, तो उसी को भी साथ में निकाल देना है। तो यहाँ पे जो ऑयल बचा था उसी में हम सब्जी बनाएंगे। तो फ्लेम को मीडियम कर देना है और ऑयल गर्म हो चुका है, तो उसी में चुटकी भर हींग डाल देना है और पत्ती और दालचीनी साथ में डाल देनी है। उसको हल्के से सोते करना है और उसी हिसाब से हमें ग्रेवी को भी साथ में डाल देनी है। तो अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मेरा मिक्स हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, आधा ग्लास। तो इसको मिक्स कर देना है और उसको 2 मिनट के लिए ढक के पकने देना है। तो ये मेरी 2 मिनट हो गई है, तो अच्छे से मिक्स कर देना है। तो उसमें मैं मसाले डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर। तो मसाले को मिक्स कर देना है, तो ढक के पकने देना है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गई है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पनीर लिया था, वो भी साथ में डाल देना है। तो उसको मिक्स कर देना है। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के पकने देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हो सब्जी अच्छे से बन चुकी है मेरी। ये पानी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। तो गैस को ऑफ कर देना है
और पेन को मैं नीचे ले लूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरी सब्जी बन के रेडी है, आप देख सकते हो, और धनिया पत्ती से इसको डेकोरेट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छे से पसंद ही आई होगी, तो इसको मैं गार्निश के लिए एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।